कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वीडियो में हम एकदम अच्छे हैं। आज का जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है, आज है ज्योति का फास्ट, तो उसने नहा लिया, पूजा कर रही है। ज्योति कर रही है पूजा, उसका है फास्ट। रो रही थी तो उसको उसका फेवरेट कार्टून देख रही हूँ, चुप हो गए। नहा लिया यहाँ पे से, वहाँ से अपनी गाड़ियों से खेल रहा है, अपने खिलौनों से खेल रहा है। वो अब नहाएगा, उसने नहाया नहीं है। सुमू, सुमू क्या है? ट्रेन ट्रेन है क्या है? क्या बाबू? एरोप्लेन? एरोप्लेन है आपकी? ओह नो, एरोप्लेन। आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को ज्योति का रहता है फास्ट, तो कर रही है पूजा नहा धो के। अब हम करते हैं थोड़ा बहुत, जो घर का काम रह गया वो करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। यहाँ पे दीपक के लिए मंगाया हमने मीशो से ड्रेस, तो ड्रेस है ये, है पजामा और ये इसके साथ चुन्नी। तो कैसा लगा आपको ये कलर? बहुत ही प्यारा कलर है वैसे देखने में, बहुत अच्छा है। तो अभी अभी आया था, मैंने खोल के देखा। ये है नायरा कट, नायरा कट होता है ना जो वाला है। तो दीपू जा रखे है स्कूल, तो काफ़ी सुंदर पीस है। तो गाइस आज दिन में हमने अपने लिए बनाया है पोहा, दोनों बना के लाइए हैं, और बच्चों के लिए बनाएंगे खिचड़ी। ज्योति का है आज शुक्रवार का फास्ट, तो दिखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। वाओ कितना टेस्टी पोहा। तो मजा टेस्टी बनाए बहुत। यहाँ पे खा रहे हैं हम तरबूज। कुनू खा ले, सिवान से उड़ गया है। वाटर मामा, वाटर मामा, वाटर लेमन को, वाटर मेलन को। तो आजकल तरबूज बड़े अच्छे आ रहे हैं, मीठे मीठे रसीले। हमें मान जो थे खा रहे हैं उसका फास्ट, उसने माले भी काटा है। यूज कर रहे हैं कुनू, मेरे को बुआ बोल रहे हैं। वो सर पे लगा रही है ना, तो वो बोल रहा है कि बुआ ये सर पे लगा रही है स्विच स्विच को। उन्नो मम्मी को दे दे, ज्योति को दे दे, ज्योति को। जाओ किचन का है ना खाना, आलू की सब्जी और पूरी बनेगी है, सादे परांठे और खीर। यहाँ पे ज्योति खाने लगे, इसको फास्ट है तो पहले वो खा रही है। तो मान ले बन रही है रोटी, मैंने मूवी देख रही क्या देख रही तो खा रहे हम रात का डिनर। ये रोटी, हलवा, आलू की सब्जी। जाना कहाँ है? दूल्हा दूल्हन कहाँ है? सर वो सामने स्टेज है, लेकिन पहले डिनर कर ले उस तरह, डिनर के बाद ही शादी। तो खा रहे हम रात का डिनर। एक लड्डू था बड़ा सा, उसका दो कोई नहीं पढ़ाएगा वो लोग, पापा सिखा रहे, कुछ नहीं बोला। दीपू पकड़ उसके बंदे, पढ़ाई कर रहे रात को, देखो सोने का टाइम है, पढ़ाई करने आ गए दोनों बच्चे। तो ज्योति ने बनाया अपने लिए वीडियो के लिए क्या है, पनीर और आलू के गोले। क्या है यार ये? पनीर बॉल करी खा रहे। अच्छा ये पनीर बॉल करी है ना,
बॉल करी, ये पनीर आलू पनीर और मसाले ये आलू पहले बॉयल कर देते फिर पनीर इसमें मिक्स करके कसूरी मेथी वगैरह वो करके इसमें ग्रेवी ये बन रही है, इसमें डालेंगे बॉल। तो ये बन गया कश्मीर पनीर बॉल। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज का अचार, खाने का स्वाद बढ़ाना बढ़ाने वाला अचार। तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा होता है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ प्याज का अचार। तो अभी मैं नीचे दुकान में गई थी प्याज लेके आई, क्योंकि प्याज नहीं थी, और साथ में लाई अदरक। तो प्याज लेके आई हूँ, बनाऊंगी मैं प्याज का अचार। तो यहाँ पे मैंने 5 प्याज लिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैं 5 प्याज का बना रही हूँ अचार। पहले इनका छिलका उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए हैं, इनको मैं पतला पतला काट लूँगी। तो यहाँ पे प्याज मैंने पतला पतला काट लिया है, अब हम इसको इस तरह से हम खोल लेंगे, मतलब ऐसे ये अलग अलग कर लेंगे इनके। तो पहले मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज की परतें खोल ली हैं, उसको चटपटा बनाने के लिए डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल दूँगी और डाल दूँगी साथ में, हरी मिर्च और साथ में डालूँगी नमक और हल्दी। और डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, अब डालूंगी इसमें जीरा पाउडर। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, इसका बनाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो तड़का बनाते हैं। गाइस मैंने लिया है तड़का पैन, इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल, इसको होने देंगे गरम। तो जो ये अचार है ना गाइस, रोटी सब्जी के साथ खाएंगे तो एकदम मजा आ जाएगा, मतलब चटपटा खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये वाला अचार एकदम झटपट बन जाता है और जल्दी यूज करने वाला होता है। जैसे दाल चावल बना लो तभी बना लो, और दाल चावल के साथ इसका मजा लो। तो काफ़ी टेस्टी, काफ़ी हेमी और काफ़ी जल्दी बनने वाला अचार है। चलिए बनाते हैं इसका तड़का। तो यहाँ पे हो गया तेल गरम, इसके साथ मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड, कलौंजी और काली मिर्च। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, इसके साथ ही डाल रही हूँ मैं सौंफ, गैस बंद करके डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच सौंफ डाली है, और गैस अपने इसमें लगाएंगे मसाला ऐसा तड़का, करेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसमें खट्टापन करने के लिए हम नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो मैं डाल रही हूँ विनेगर। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर विनेगर ना हो तो। और ये बन गया हमारा झटपट से बनने वाला अचार। तो तैयार हमारा झटपट बनने वाला अचार, प्याज का अचार। तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब भी दाल चावल बनाएं, फुलके बनाएं, रोटियां बनाएं, और वो बनाएं पराठे वगैरह, तो उसके साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी चटपटा, काफ़ी टेस्टी होता है। प्याज तो गर्मी में खाना ज़रूरी होता है, तो आप भी बनाएं ये
ये रेसिपी आई होप आपको पसंद आएगी, तो आप ज़रूर बनाएंगे। प्याज का अचार। तो गैस शाम हो गई है तो चाय पीने का तो मन है नहीं, तो बना रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा। मतलब बुरास का जो फूल होता है ना उसका जूस। जूस बना रही इसमें डालूंगी, सिर्फ पानी, चीनी में डालनी होती है, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। तो बड़े ईजी तरीके से बन जाता है हमारा रूह अफ़ज़ा भगवान का। दे देती हूँ पूनम को ठंडा ठंडा गुल, जल्दी तो भी पिएगी। गढ़वाल का रूह अफ़ज़ा थोड़ा थोड़ा तो पी लो, पिएगी, पी के तो देख। हाँ पिएगी, इसको नहीं लगी प्यास, हमें तो लगी है प्यास, हम पी रहे तो मैं पी रही, ज्योति नहीं पी रही क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है, तो मेरे को लगी बहुत ही प्यास। किचन में काम करके बहुत प्यास लग जाती है, यहाँ पे सिवा नीचे सोया था रही में ऐसे लेटा खेलते खेलते सो गया। ये सो के उठ रही है, आलस इतना भरा हुआ। दोनों ने पहनी गिली ग्रीन सलवार, उसने पहनी है पैंट टाइप की, उसने पहनी प्लाजो। यहाँ पे दोनों को लाए छत में और छत भी धो रहे हैं साथ में, और दोनों हैं गाड़ियों में खेल रहे हैं। समा आ रही हूँ, गुना गुना टिटी टिटी, देखो अपने आप चला रही है टिटी गाड़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाय गाइस बोलते, हाय गाइस दादी आ रही हूँ। दोनों को झुलाना पड़ रहा है तो चलो भागो, चलो 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 भागो गुनो। देखो समूह आ गया, गुनो समूह आ गया टीट 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 टीट। यहाँ पे इसके दादा चाय पी रहे हैं साथ में, उधर है ना ग्रिल के पास। गुनो चलो भागो भागो गुनो, समूह भैया आ गया, चमो भैया आ गया गुन्नो। तो यहाँ पे शिवान तो अपने टायर घुमाने लग गया, ये है इसको गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ बैठी हुई है ना मेरे अनमोल दो रतन है। तो गए जो वीडियो जो मैंने बनाई है आज, मतलब प्याज की रेसिपी वगैरह जो दी है वो दो दिन का ब्लॉग है, क्योंकि एक शुक्रवार एक शनिवार, तो शनिवार को बनाया मैंने प्याज का अचार, क्योंकि शुक्रवार को ज्योति का फास्ट था तो मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई, थोड़ा बेटी के साथ भी समय बिताया मैंने थोड़ा सा। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय सीताराम, सी राधे राधे।